अपने जज्बात को काबू में रखें। ये काजीजा ने गुजारिश है, उलमा आ रहे हैं, सियासी रहबरान आ रहे हैं और जिम्मेदार आ रहे हैं और पहले से यहाँ पर पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया है। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है वो अपनी जगह पर रहे, इंशाल्लाह जिम्मेदारान काम कर रहे हैं। थोड़ा
इत्मीनान का माहौल बरकरार रखे हैं। ऑलरेडी पर्सनली मैं खुद जो है डीसीपी डीसी डिवीजन से पर्सनली बात करता हूँ और हमारे डीजेएलडी के सर्कल इंस्पेक्टर जो है दो ओवर का कृष्णमूर्ति साहब दो ओवर का टाइम लेकर है, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर का बेटा ही क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही भी कोई ना हो, इसके खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नऊज़ बिल्ला जो कमेंट कर है, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए दो ओवर का टाइम लेकर है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप तमाम को मालूम है कोविड कोरोना की सिचुएशन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और पीसफुली जो भी लीगल एक्शन हमें यहाँ पर लेने की जरूरत है इंशाल्लाह लीगल एक्शन लेंगे और एक लीगल टीम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लीगल टीम जो है इशू पर बहुत सीरियस लेकर है। ऐसे इश्यूज नॉर्थ साइड यूपी बिहार से देखने मिलते थे मगर आज के माहौल में डीजेएलडी बैंगलोर नॉर्थ के जैसा एक इलाका जो हाईवे यहाँ के जैसे एक इलाके में देखने मिल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर यह किस्ता ही सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना किस्ता एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को यह माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर यह तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करें सिवाय जूते के मारा के दूसरा पड़ते नहीं कभी, इतना दिमाग में रखना। और नौजवानों से भी गुजारिश कर तू मैं तुम्हारे और मेरे सेंटीमेंट को हमें ये जो कमेंट कर है इसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप और मैं जान देने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। मगर एक जमहूरी मुल्क का जो निजाम है वो निजाम को भी फॉलो करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता कर रही, जो मुल्क में हमें रहती वो मुल्क का कानून भी फॉलो करना वो भी एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही डायरेक्शन है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी खामोशी के साथ एक पीसफुल आप इत्मीनान से खड़े रहे, जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटीज तक जाकर आए लीगल एक्शन इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लेंगे करके बोलकर एक अश्योरेंस भी है। आप लोगों से बस इल्तिजा यह है खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसाद आपका एक माहौल ना करें। आप और मुझे मालूम है हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बचा रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है वो मैं बोलना नहीं चाहता, तो आप लोगों से गुजारिश है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो, क्या सोशल डिस्टेंस के साथ साथ खामोशी के साथ आप खड़े रहो इंशाल्लाह लीगल एक्शन इसके खिलाफ सख्त से सख्त लेंगे। ಶಾಂತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಓಮಿನಿದು ಓಮಿನಿದು ವಹಿಸಲ ಓಮಿನಿದು ಹೌದೌದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ Hey, stop.
शांति अधिके बना मामा करना ओमिनी दो ओमिनी दो वही चला ला ओमिनी दो हाँ वो दो वही चला इधर ले इन्हों मंदे सर ओर ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು.
ओच ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪುಲಿಕೇಶನ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾರೋ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಏನೇ ಜಗಳ ಇದ್ರೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಸಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುವರು ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದಿರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ।